मनुष्य की आकांक्षा कभी खत्म नहीं होती, एक मांग पूरी नहीं हुई कि दूसरी मांग सर उठाकर खड़ी हो जाती है। विगत 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की, जिसके अनुसार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर इन 3 ब्लॉक को मिलाकर नया जिला बनाने की बात कही गई। उम्मीद थी कि इस फैसले से क्षेत्र के वासी प्रसन्न होंगे, लेकिन इस ऐलान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब नए जिले के मुख्यालय को लेकर संघर्ष तेज हो चुका है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को मिलाकर जिला बनाए जाने के बाद चिरमिरी क्षेत्र के लोग चिरमिरी को ही जिला मुख्यालय बनाए जाने की जिद लेकर क्रमिक भूख हड़ताल के बाद अब सत्याग्रह पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। 40 लोग मनेन्द्रगढ़ से राजधानी रायपुर जाकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखने के सफर पर है। इस सफर के दौरान शुक्रवार को यह काफिला रतनपुर पहुंचा, जहां मां महामाया के दर्शन करने के बाद आगे का सफर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद चिरमिरी के लोगों ने भी उनके इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन इसके बाद 26 सितंबर से चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग के साथ चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ और उनके द्वारा सत्याग्रह के स्वरूप में पहले 40 दिनों तक क्रमिक भूख हड़ताल की गई। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर 40 लोगों की टीम सत्याग्रह पदयात्रा पर निकल पड़ी। पेंड्रा होते हुए यह पदयात्रा शुक्रवार को रतनपुर पहुंची। करीब 350 किलोमीटर की दुर्गम पदयात्रा में रास्ते में कई मुसीबतों का सामना भी इन लोगों को करना पड़ रहा है, जिनका कहना है कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के प्रयास में वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का मुख्यालय चिरमिरी को बनाए जाने की मांग भी मुख्यमंत्री से की जाएगी। यह भी सच है कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। बिलासपुर के लोग इसे भली भांति समझते हैं, जिन्होंने रेलवे जोन से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाईकोर्ट, विमान सेवा जैसी सौगात संघर्षों के बल पर ही हासिल की है। चिरमिरी जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे और क्षेत्र के सबसे विकसित ब्लॉक चिरमिरी को ही जिला मुख्यालय बनाया जाएगा। देखिए, 15 अगस्त के दिन जो माननीय मुख्यमंत्री ने सौगात दी थी 4 नए जिलों में, उसमें मनेन्द्रगढ़ का नाम था, लेकिन मनेन्द्रगढ़ में कोरिया जिले का जो सबसे बड़ा शहर था चिरमिरी, उसका नाम नहीं था और पुरानी मांग थी। और 1998 में जिला बनने से चूक भी गया था दुर्गा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि हमारे चिरमिरी की उपेक्षा हो रहा है, तो हम लोगों ने 2 सूत्रीय मांग को लेकर एक मंच बनाया, चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति, जिसमें पहली मांग ये थी कि चिरमिरी का नाम जिले में जोड़ा जाए, दूसरा क्षेत्र का सबसे सर्व सुविधा युक्त संपन्न और सबसे बड़े शहर को जिला मुख्यालय बनाया जाए। भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं आप लोग? जी बिल्कुल, 15-16 अगस्त से हम निरंतर भूख हड़ताल पर वहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम लोग सभी ने निर्णय लिया कि हम लोग 40 सत्याग्रही पदयात्रा कर चिरमिरी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री निवास रायपुर तक जाएंगे और अपनी बातों को रख, सबसे पहले तो उन्हें आभार व्यक्त करेंगे कि आपने चिरमिरी का नाम जोड़ा और मनेन्द्रगढ़ जिला बनाया, और उसके बाद दूसरी मांग जो हमारी रहेगी कि जिला मुख्यालय जो है वो चिरमिरी में ही बनेंगे। किस तरह सफर तक करें आप लोग? रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।